डोंट बी अफ्रेड टू गिव अप द गुड फॉर द बेस्ट। दोस्तों हम अक्सर क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगी में हम बड़ा गोल सेट कर लेते हैं और फिर जब हम उस गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो उस जर्नी के दौरान कभी ऐसा मूड आता है जब हम डिप्रेस फील करने लग जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि क्या वो अचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, डीमोटिवेटेड फील करने लग जाते हैं। और ऐसे सिचुएशन में रास्ते में अगर कोई हमें अच्छी चीज़ मिल जाए तो वो हम एक्वायर कर लेते हैं और फिर उसके चक्कर में हम जो हमने गोल सेट किया था जो हमारी नज़रों में इतना बड़ा था उसे हम कम्प्लीटली भूल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंसान है, अगर उसे बैंकिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो बैंकिंग में काम ही नहीं करना चाहता है और उसे उसका जो गोल है वो है IAS बनने का कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, देश की सेवा करनी है, ये सब करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर जॉब देखेंगे हम तो जॉब IAS का भी अच्छा है और बैंकिंग का भी अच्छा है, वो मैटर करता है आपका इंटरेस्ट किस में है। लेकिन अगर कोई बंदा उसे बैंकिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है और उसका गोल है IAS ऑफिसर बनने का, लेकिन इस जर्नी के दौरान वो बाकी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है उसकी भी प्रिपरेशन करता है और वो भी एग्ज़ाम देता है, अब उसमें जो नेशनलाइज बैंक है उसकी जो एग्ज़ाम है वो भी उसमें आती है और वो एग्ज़ाम में वो क्वालिफाई हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर बनना क्या था, उसे IAS ऑफिसर बनना था, बैंकिंग में उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन नेशनलाइज बैंक की वो एग्ज़ाम देता है और वो उसमें सिलेक्ट हो जाता है। अब ज़िंदगी भर वो क्या करेगा, ज़िंदगी भर वो काम करेगा जिसमें उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, मतलब जो उसने बड़ा गोल सेट किया था उसे वो कम्प्लीटली भूल जाएगा, रास्ते में सिर्फ उसे गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी मिल रही है उस चक्कर में। बहुत सारे लोग क्या ऐसा नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग बड़ा बड़ा गोल सेट कर देते हैं लेकिन उस दौरान उन्हें जो छोटी मोटी अच्छी चीज़ मिल जाती है वो उन्हें एक्वायर कर लेते हैं और फिर उसमें सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों में आप ना पढ़े तो ज़्यादा बेटर है, एक चीज़ पर फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, देखिए अगर आपका एक ही तरह का सिलेबस है तो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसा करते हैं कि अपने जो गोल है वो तो रखते हैं IAS ऑफिसर का, लेकिन उसी के साथ साथ जो सारी एग्ज़ाम्स आती है वो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, सारी एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम देते रहते हैं और फिर जिसमें हो गया फिर उसके बाद IAS का जो गोल है वो तो भूल ही जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ऐसा होता है। एक गोल पर आप फर्म रहिए, एक गोल जो है वो अटेंड करने की कोशिश कीजिए, लाइफ में आप वो अटेंड ज़रूर करोगे अगर आपका उसमें कंप्लीट फोकस रहेगा। अगर आपके 10 फोकस है लाइफ में तो एक फोकस आपका कभी नहीं रह सकता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 22 जुलाई का जो एनालिसिस है द इंडियन एक्सप्रेस का वो देखने वाले हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूँगा मैं मयूर मोगरे। StudyIQ ने UPSC 2020 के लिए पेनड्राइव कोर्स लॉन्च किया है जहां पर आपको UPSC के वास्ट सिलेबस का 100% कवरेज मिल सकता है, डेली करंट अफेयर अपडेट्स मिलेंगे और टॉप फैकल्टीज़ के अंडर में आप UPSC 2020 क्लियर कर पाओगे और ये सब कुछ आपको मिलेगा सिर्फ 625 रुपीज़ पर मंथ पर, तो जल्दी से अवेल कीजिए। उसी के साथ साथ मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल t.me/MoGre इस पर फॉलो कर सकते हो। अब देखिए जब हम एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं तो इतने सारे आर्टिकल्स हमें यहाँ पर नज़र आते हैं, उसमें से ये वाला जो आर्टिकल है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से स्टेट में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, कौन से स्टेट में कम देखने को मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है उसमें कुछ यहाँ पर चेंजेस लाने की बात की गई है, तो सरकार यहाँ पर कौन कौन से चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है, उसी के साथ साथ अपोजिशन जो है वो किस तरीके से काउंटर कर रहे हैं, दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट जो है हम अच्छे तरीके से देखेंगे, कौन कौन से चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है वो हम देखेंगे, कौन से सेक्शन में चेंजेस लाने की कोशिश की जा रही है वो भी हम अच्छे तरीके से देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से अगर हम GS पेपर 2 देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ साथ हम ये वाला जो आर्टिकल है 30 मीटर टेलीस्कोप, ये भी अच्छी तरीके से देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से। उसी तरीके से अगर हम एडिटोरियल पेज देखते हैं तो उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पर अ विन विन डील आता है जहाँ पर जो सब्सिडीज़ है उसके जगह पर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिया जा सके अगर, तो ये कितना बेनिफिशियल होता है उसके बारे में जो ऑथर है वो बात करते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। अगर हम ये सारे आर्टिकल्स में से छाट लिए तो हमें इतने आर्टिकल जो है वो हमें बेसिकली इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से, जैसे कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है हमारे प्रीलिम्स परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर वो किसी भी एग्ज़ाम की हो। उसी के साथ साथ जो RTI एक्ट उसमें चेंजेस की बात की गई है GS पेपर 2 के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसी के साथ 30 मीटर टेलीस्कोप जो है हमारे प्रीलिम्स परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट जाता है, उसी तरीके से GS पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।
और विन विन डील जो है ये भी हमारे जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसी के साथ साथ लास्ट में हमारा सेक्शन आता ही आप सबको पता है प्रीलिम्स का T20, जिसमें हम जितनी भी एग्जाम्स है ग्रुप बी की हो, ग्रुप सी की हो, ग्रुप डी की हो, सभी एग्जाम्स के लिए जो प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब देखिए पहला आर्टिकल जो आता है वो है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। अब यहाँ पर जो इंसल्ट टू मॉडेस्टी ऑफ वुमेन एट ऑफिस प्रीमाइसिस ये भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 जो है उसके तहत यहाँ पर काफ़ी सारे केसेस जो है हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टेट वाइज दिया गया है कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, कौन से स्टेट में सबसे कम हमें देखने को मिलता है, और कोई कोई ऐसे स्टेट है जहाँ पर 3 साल में 0 केस जो है वो रजिस्टर्ड किए गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से। अब देखिए स्टेट बाय स्टेट अगर हम देखते हैं तो ह्यूज वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। अब 2016 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें टोटल हमें 142 केसेस देखने को मिलते हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा जो है वो हमें बिहार में से ही देखने को मिलते हैं। अब अगर आप बिहार में देखोगे तो 73 केसेस हमें देखने को मिलते हैं 2016 में, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के केसेस है। और उसी के साथ साथ प्रीवियस 2 ईयर्स में देखते हैं तो एक भी केस बिहार में रजिस्टर्ड नहीं किया गया था। और एकदम से अगर आप देखोगे 2014 में कोई नहीं है, 2015 में कोई नहीं है, 2016 में सीधा आप देखोगे 73 केसेस। तो ये काफ़ी आपत्तिजनक बात होती है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बात हो जाती है और इस पर विचार विमर्श करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। उसी तरीके से अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो पहले अगर हम देखते हैं 2014 में तो वहाँ पर 11 केसेस ही हमें देखने को मिल रहे थे। फिर उसके बाद अगर हम 2015 की बात करते हैं तो 36 केसेस जो है वो हमें देखने को मिले थे, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी हमें देखने को मिली थी। और फिर 2016 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी कमतरता हमें देखने को मिली, सिर्फ 9 केसेस जो है वो हमें देखने को मिले। लेकिन ये 9 केसेस भी नहीं रहना चाहिए, हर जगह पर 0 केस जब हो जाएगा तब यहाँ पर हम अच्छी तरीके से संतुष्ट रह सकते हैं कि जो महिलाएँ हैं उनकी यहाँ पर इज्जत की जा रही है और उन्हें यहाँ पर अच्छी नज़रों से देखा जा रहा है, रिस्पेक्टफुल नज़रों से देखा जा रहा है। उसी तरीके से अगर हम महाराष्ट्र देखते हैं तो वहाँ पर 10, फिर 27, फिर 11 इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। तेलंगाना की भी अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें 2015 में देखने को मिले हैं। और वही अगर हम कर्नाटका की बात करते हैं तो देखिए इस तरीके से बढ़ता ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए ट्रेंड की भी एक बात होती है, ठीक है, अगर आपके नंबर्स कम है लेकिन ट्रेंड किस तरीके का है, ट्रेंड यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। उसी तरीके से केरला अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी बढ़ा हुआ है। वेस्ट बंगाल देखते हैं तो यहाँ पर 2016 में एक भी केस यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। और यहाँ पर आपको गौर करना है कि जीरो का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर एक भी केस नहीं हुआ है, यहाँ पर जीरो का मतलब है कि एक भी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, पुदुचेरी देखते हैं तो वहाँ पर 0 केसेस जो है रजिस्टर किए गए हैं पिछले 3 सालों में। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पर रजिस्टर नहीं किए गए हैं। अब देखिए बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा भी निकल कर आता है कि अगर कोई केस रजिस्टर नहीं किया गया है, वहाँ पर हमें 0 देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से 2 सिचुएशंस निकलती है। एक तो ये है कि वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बहुत सेफ है और उन पर अत्याचार नहीं हो रहा है, हरासमेंट नहीं हो रहा है। दूसरा ये है कि महिलाओं को इतना भी अधिकार नहीं है कि वहाँ पर जाकर कंप्लेंट करें, या फिर इतना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं हुआ है कि वहाँ पर जाकर केस रजिस्टर कर पाए। तो इन दोनों में से कौन सा केस है, कौन से स्टेट में कौन सा केस है, ये भी गौर करने की बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो आता है RTA एक्ट जो है उसमें चेंजेस लाए गए हैं, उसका मतलब क्या है। अब देखिए फ्राइडे को गवर्नमेंट ने लोकसभा में राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल 2019 जो है वो वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। और यहाँ पर सेंटर जो है उसे कुछ पावर दिए गए हैं, जिससे कि सैलरी और सर्विस कंडीशन जो है इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एट सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लेवल पर वो डिफाइन कर सके। अब देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, वहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम सेक्शंस देखते हैं, आगे हम डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन अगर सेक्शंस देखते हैं तो उनकी जो सैलरी है वो भी फिक्स की गई है और उसी के साथ साथ उनका जो टेनियर है वो भी फिक्स किया गया है। अब यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसमें चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है। अब वो क्या चेंजेस है हम आगे देखने वाले हैं। इसके वजह से जो अपोजिशन है वो काफ़ी ट्रिगर्ड हो गया है। अब देखिए यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में बेसिकली होता क्या है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, अब खैर ये अब गवर्नमेंट ऑफिशियल तो नहीं रहे हैं, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, अगर वो कोई भी चीज़ कहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, हो सकता है कहते ही नहीं अगर कुछ करते भी है, तो यहाँ पर जैसे ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमी जो है वो 100% से इंक्रीज़ हो रही है, तो यहाँ पर जो आम इंसान है उसे अधिकार है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सके। तो यहाँ पर ये होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कि मुझे इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार है, ये आया था हमारे पास 2005 में। अब देखिए चेंज क्या करने की कोशिश की गई है।
अब बिल जो है ये सेक्शन 13 और 16 जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का ये अमेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सेक्शन 13 और सेक्शन 16 जो है ये हमें डिटेल में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डायरेक्टली सेक्शन जो है वो भी पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, अगर आप MPPSC देखोगे तो MPPSC में डायरेक्ट सेक्शन पूछे जाते हैं, MPSC अगर देखोगे तो वहाँ पर भी डायरेक्टली जो सेक्शंस है वो भी पूछे जा सकते हैं। और उसी के साथ साथ काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, काफ़ी ऐसे स्टेट PSCs है जहाँ पर डायरेक्टली आपको सेक्शन के नाम भी पूछे जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर सेक्शन क्या है और वो क्या कहता है ये सब कुछ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम सेक्शन 13 की बात करते हैं, ओरिजिनल एक्ट की, यहाँ पर अमेंड जो करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी नहीं, तो ओरिजिनल एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सेंट्रल चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है और जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स है उनका जो टेनियर है वो 5 साल या फिर 65 साल उसमें फिक्स किया गया है। मतलब जो भी चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर रहेगा उसका जो कार्यकाल है वो या तो 5 वर्ष का रहेगा या फिर 65 वर्ष का रहेगा जो भी पहले आएगा। इसका मतलब है कि अगर ये जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है अगर ये 63 साल के हैं तब जाकर अगर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनते हैं तो ये कितने सालों के लिए रहेंगे, तो सिर्फ 2 सालों के लिए रहेंगे, क्योंकि 2 साल में 65 साल के हो जाएंगे और फिर ये रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कोई चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है और अगर वो 55 साल में बनते हैं तो ये कितने सालों के लिए रहने वाले हैं, तो ये 60 साल के होंगे तब तक रहेंगे, मतलब 5 सालों तक रहने वाले हैं। तो जो भी पहले आएगा 65 साल या 5 साल उसमें वो रिटायर हो जाएंगे। तो ये पुराने वाले एक्ट में हमें देखने को मिलता है। तो अब नए वाले एक्ट में क्या किया गया है, जो अमेंडमेंट है उसमें क्या प्रपोज किया गया है, जो अपॉइंटमेंट है वो जो भी टर्म रहेगी वो सब प्रिस्क्राइब कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, वही यहाँ पर जो उनका कार्यकाल रहेगा, किस तरीके से उनका जो टर्म है वो रहेगी, प्रिस्क्राइब करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। मतलब 5 वर्ष 65 वर्ष नहीं, ये बताएंगे कितने वर्ष तक रहेंगे। उसी के साथ साथ अब सेक्शन 13 जो है और क्या कहता है, तो ये सैलरी अलाउंसेस और बाकी जो टर्म ऑफ सर्विसेज है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की वो सेम रहेगी एज दैट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके जो भी सैलरी है, अलाउंसेस है और बाकी जो सर्विस है, कंडीशन है सर्विसेज की, वो सब इनकी जैसी ही रहेंगी, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के जैसी। उसी के साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उनकी सेम रहेगी एज दैट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। मतलब जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उनकी किस तरीके से रहेंगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जैसे, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उनकी कैसे रहेगी, इलेक्शन कमिश्नर के जैसे, सैलरी अलाउंसेस और बाकी जो टर्म ऑफ सर्विसेज है वो। लेकिन जो अमेंडमेंट है वो क्या कहता है कि सैलरी अलाउंसेस बाकी जो टर्म ऑफ सर्विसेज है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर उसी के साथ साथ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करेगी। इसका ये मतलब है कि अब ये जो चीज़ें जो अमेंडमेंट में लाई गई थी, जो अमेंडमेंट नहीं, जो एक्ट में लाई गई थी, वो सब यहाँ पर खारिज हो जाएगी और पूरा जो कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर लाया गया है। अब यहाँ पर सेक्शन 13 तो हमने देख लिया, अब सेक्शन 16 जो है वो क्या कहता है, क्योंकि दो इसमें चेंजेस होने वाले हैं सेक्शन 13 में और सेक्शन 16 में। 13 जो है उनके टेन्योर की बात करता है, सैलरी अलाउंसेस ये सब इलेक्शन कमिश्नर के हिसाब से रहेंगे वो बताता है। अब 16 क्या कहता है, 16 डील करता है स्टेट लेवल में जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उनके बारे में, उनका भी जो टेन्योर है स्टेट लेवल पर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का, वो फिक्स किया गया है 5 ईयर्स या फिर 65 साल जो भी पहले होगा। मतलब सेम जो सेंटर में 13 जो है वो सेंटर में चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की बात करता है, 16 जो है वो स्टेट में चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की बात करता है। अब इसमें जो अमेंडमेंट लाया गया है इसमें भी यही बताया गया है कि अपॉइंटमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही प्रिस्क्राइब करेगी स्टेट के लिए भी। जैसे कि यहाँ पर मोदी जी जो है वो भी बोल रहे हैं ऑन लाइटर नोट, क्योंकि जो भी मैं कॉल आउट इस्तेमाल कर रहा हूँ ये सिर्फ इसलिए है कि आपको समझ में आए और बाकी कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस वीडियो को, तो इसलिए इसको सीरियसली मत लीजिएगा और भावनाओं में मत भइएगा। तो यहाँ पर जो मोदी जी है वो भी बोल रहे हैं मित्रों स्टेट PCS की पेपर भी मैं ही निकालूंगा, मतलब UPSC तो निकालेंगे स्टेट PCS भी निकालेंगे। तो इसमें जो अपॉइंटमेंट है बोलने का मतलब यह है कि आपको याद रहे इससे कि मोदी जी जो है सेंटर का भी कर ही रहे हैं और स्टेट का भी कर रहे हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही यहाँ पर देखने वाली है स्टेट का भी। अब देखिए ओरिजिनल एक्ट जो है वो सैलरी अलाउंसेस बाकी जो टर्म ऑफ सर्विसेज है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की वो इलेक्शन कमिश्नर के जितना है वही सेम रखता है, और उसी के साथ साथ सैलरी और बाकी जो टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की वो चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में उनकी तरह रखता है। लेकिन अमेंडमेंट क्या कहता है, ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, मतलब सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा। अब यहाँ पर अपोजिशन जो है उनका आर्ग्यूमेंट क्या है, तो अपोजिशन जो है उन्होंने आर्ग्यू किया है कि ये जो RTI अथॉरिटीज़ है उनकी इंडिपेंडेंसी ले लेगी। मतलब कि अगर कोई इंसान है, अगर वो
इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनता है और अगर सरकार उसे कहती है कि ये इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड मत करो, लेकिन वो ऐसा मानता है कि नहीं ये तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए किसी इंसान को, और अगर वो सरकार के विपरीत जाता है सरकार उसे निकाल देगी, उसकी सैलरी अलाउंसेस कम कर देगी। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर इंडिपेंडेंस जो है इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पूरी कठपुतली बन जाएगी, तो इंडिपेंडेंस जो है वो छीना जा सकता है। कांग्रेस लीडर जो है लोकसभा में जो चौधरी साहब है वो ये कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंस को ही थ्रेट है, और उसी के साथ शशि थरूर जी जो है वो भी कहते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो एलिमिनेशन बिल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की इंडिपेंडेंस जो है वो रिमूव कर रही है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी कुछ यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं। अब यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो क्या कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सेंट्रल और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट रहने चाहिए, ये स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट करता है। यहाँ पर हम जो गवर्नमेंट है उनके आर्ग्यूमेंट देख रहे हैं कि अमेंडमेंट लाने के पीछे क्या आर्ग्यूमेंट दे रही है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि ये मैंडेट किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसी के साथ सेंट्रल और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है ये अलग अलग रहने चाहिए, डिफरेंट रहने चाहिए, इसलिए उनकी जो स्टेटस है, सर्विस कंडीशन है, ये भी तो चेंज रहना चाहिए, ये भी तो अलग रहना चाहिए। यहाँ पर जब हम दोनों को सेम कर रहे हैं तो ये फिर तो ये गलत है। उसी के साथ साथ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करते समय जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है PMO जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि प्रोबेबली द देन गवर्नमेंट ऑफ द डे इन अ हरी टू पास द RTI एक्ट 2005 ओवरलुक्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। काफ़ी सारी चीज़ें जो है उन्होंने उसमें नज़रअंदाज कर दी, उसमें उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है उन्हें सुप्रीम कोर्ट जज का दर्जा जो है वो स्टेटस वो दिया गया है, लेकिन हाई कोर्ट जो है उनका जो जजमेंट है वो चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में। अब यहाँ पर गौर से देखिए इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है उन्हें स्टेटस तो सुप्रीम कोर्ट जज का दिया गया है, लेकिन उनके जो जजमेंट्स हैं वो हाई कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं। मतलब देखिए जो दर्जा है वो दिया जा रहा है एकदम हायर लेवल का, लेकिन जो चैलेंज है वो छोटा इंसान भी कर पा रहा है, मतलब छोटे लेवल में भी किया जा सक रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लमेटिक किया जा रहा है, इसीलिए ये एग्जिस्ट कैसे कर सकता है, तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो है वो निकल कर आ रही है। तो ये सारे गवर्नमेंट की तरफ से आर्गुमेंट है कि यहाँ पर चेंजेस लाए जाने चाहिए। मतलब जो आप दोनों को सिमिलर बना रहे हो, एक तो आप यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट जजेस, इनको सबको जो सेम ला रहे हो तो ये सेम नहीं ला सकते हो, इसमें चेंजेस लाने चाहिए। मतलब मैथ्स में पढ़ते हैं ना कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी और बी इज़ इक्वल टू सी, हैंस ए इज़ नॉट इक्वल्स टू सी। तो इस तरीके से ये हो रहा है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो इलेक्शन कमीशन के सहारा नहीं रह सकता, इलेक्शन कमीशन का जो भी स्टेटस है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है, इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उनका सुप्रीम कोर्ट के जजेस जैसा भी जो स्टेटस है वो नहीं रह सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। अब देखिए अगर हम 14 ईयर्स में देखते हैं तो RTI एक्ट ने किस तरीके से सर्व किया है, तो RTI एक्ट जो है इंडिपेंडेंट इंडिया में काफ़ी सक्सेसफुल लॉ माना जाता है। इसने जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स है उसे कॉन्फिडेंस दिया है और क्वेश्चन पूछने का अधिकार दिया है, और यहाँ पर जो सरकार है वो भी अकाउंटेबल रहती है। अगर एस्टीमेट देखते हैं तो 60 लाख एप्लीकेशन जो है वो फाइल किए जाते हैं हर साल, और उसी के साथ साथ सिटीजन जो है ये एक बहुत बड़ा सशक्त इनके पास हथियार है जिससे कि सरकार जो उसे अकाउंटेबल बना सकती है। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं, कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं इस एक्ट की बदौलत। तो ये सारी चीज़ें जो है इस एक्ट के तहत की गई है। तो इस एक्ट के लिए खासकर मैंने आपको अमेंडमेंट भी बताया है, सब कुछ बताया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस बारे में क्या कहना है, आपको इस बिल के बारे में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये जो पूरा सिनारियो है ये पूरा फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रपोज़ किया गया है, तो जब फाइनल बिल में तब्दील हो जाएगा उसके बाद देखना होगा कि क्या क्या फाइनल चेंजेस यहाँ पर लाए गए हैं, तो काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बलबूते पर ही हमें जो बिल है वो देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर आता है 30 मीटर टेलीस्कोप के बारे में। अब देखिए 30 मीटर टेलीस्कोप जो है काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है क्योंकि लास्ट वीक हवाई में इस पर काफ़ी प्रोटेस्ट जो है हमें देखने को मिला है, और 30 मीटर टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन जो है वो जो मौना की जो माउंटेन है उस पर देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में काफ़ी प्रोटेस्ट जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्यों देखने को मिल रही है तो ये भी काफ़ी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अगर हम ये देखते हैं तो काफ़ी सेक्रेड माना जाता है, जो नेटिव हवाइयंस है उनके लिए काफ़ी सेक्रेड माना जाता है, और अगर इस माउंटेन पर कंस्ट्रक्शन शुरू होगा तो ये काफ़ी डिफाइल तरीके का रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है।
अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पर भी ये बात गई थी और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने इसके कंस्ट्रक्शन को क्लियरेंस दे दिया था और उसके बाद से ही हमें यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब 30 मीटर टेलीस्कोप बेसिकली क्या है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर 30 मीटर टेलीस्कोप अगर हम देखते हैं तो इसका साइज़ है 30 मीटर, डायमीटर है इसका 30 मीटर, आपने तो लेंथ वगैरह ये सब अगर आप समझोगे तो ये नहीं है, 30 मीटर इसकी डायमीटर है। टोटल कलेक्टिंग एरिया अगर हम देखते हैं 655 स्क्वायर मीटर का है। उसी के रिजोल्यूशन जो है 12 टाइम्स शार्पर है, मतलब अगर आप ऑर्डिनरी आज के ज़माने का अगर टेलीस्कोप देखते हो तो आज के ज़माने के कंपैरिजन में उसी की तरह अगर हम देखते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप तो उसके कंपैरिजन 12 टाइम्स शार्पर है। उसी के साथ साथ जो मिरर है उसके 492 सेगमेंट जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं जिससे कि एक बहुत अच्छी तरीके की इमेज जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। अब अगर 30 मीटर देखते हैं 30 मीटर डायमीटर बताया गया, जैसा मैंने आपको बताया है कि इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है, 30 मीटर टेलीस्कोप मतलब 30 मीटर का डायमीटर है ऑफ दी मिरर जिसमें 492 सेगमेंट जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से लार्जर मिरर जो है जितना लार्ज मिरर रहता है उतना लाइट जो है टेलीस्कोप का वो कलेक्ट कर पाता है और इसका मतलब है कि और दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियर तरीके से नज़र आता है। और उसी तरीके से यहाँ पर 30 मीटर टेलीस्कोप जो है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब 1200 टाइम्स मोर सेंसिटिव रहने वाला है और उसी के साथ 12 टाइम्स बेटर हबल टेलीस्कोप से हमें इमेज जो है इसकी देखने को मिल सकती है। उसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है टेलीस्कोप जो है बिल्ड किसके द्वारा किया जा रहा है, तो प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से कोई भी एग्जाम हो, ABCD कोई भी एग्जाम हो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। टेलीस्कोप जो है बिल्ड किया जा रहा है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ और इसकी जो कॉस्ट है वो है टोटल $1.4 बिलियन की। तो इसकी कॉस्ट जो है वो भी पूछी जा सकती है जो ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी के एग्जाम होते हैं उसमें जो कॉस्ट है वो कितनी है, $1.4 बिलियन के आसपास आती है। अब देखिए अगर ये 30 मीटर टेलीस्कोप को यहाँ पर बिल्ट नहीं करने दिया जाता है, अगर जो मौना की है वहाँ पर बिल्ट नहीं करने दिया जाता है हवाई में, तो फिर ये कहाँ पर बिल्ट किया जाएगा? तो ये जो स्पेन की कैनरी आइलैंड्स है जो एक बैकअप साइट है वहाँ पर बिल्ट किया जाएगा। अब देखिए मैप में बहुत जानना ज़रूरी है कि ये एक्चुअल में है कहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है अफ्रीका, यहाँ है यूरोप और यहाँ पर हमें कैनरी आइलैंड जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर है कैनरी आइलैंड्स और अगर आप जूम करके देखोगे तो इस तरीके से हमें कैनरी आइलैंड जो है वो नज़र आते हैं। तो ये हमें इनकी जो लोकेशन है वो पता रहनी चाहिए कहाँ पर है कैनरी आइलैंड्स की, तो अफ्रीका के बगल में है, लग के हैं और ये स्पेन का पार्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ये स्पेन का पार्ट है। अब देखिए जो की यूजेस है इस टेलीस्कोप के वो क्या रहने वाले हैं, तो एक्सोप्लैनेट जो है उसे स्टडी कर पाएंगे हम, एक्सोप्लैनेट उसे पता लगा पाएंगे, उसे स्टडी कर पाएंगे। उसी के तरीके से पॉसिबल लाइफ अगर कहीं पर हमें देखने को मिलती है तो वो भी हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं क्योंकि क्लियर इमेज मिलने वाली है। उसी तरीके से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है वो भी डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कैपेबल हो सकता है ये टेलीस्कोप। और उसी के साथ साथ एक और ऑब्जेक्टिव इसका क्या आता है, ब्लैक होल जो है उसे स्टडी करना। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ब्लर इमेज जो है ब्लैक होल की वो हमें देखने को मिली थी, लेकिन अब यहाँ पर ब्लैक होल जो है उसे हम स्टडी करते हैं और क्लियरर इमेज दिखती है तो और बेटर हो सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो मिल्की वे है और जो नेक्स्ट गैलेक्सीज है जो कि 100 टाइम्स फर्दर अवे है हमारे से, वो भी हम 100 मीटर टेलीस्कोप से, जो 30 मीटर टेलीस्कोप है उससे हम और पास से देख सकते हैं और करीब से देख सकते हैं, उन पर क्या है वो देख सकते हैं। तो ये साइंस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है साइंस पर्सपेक्टिव से और आगे की रिसर्च पर्सपेक्टिव से। इसलिए हमारे प्रिलिम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है और GS पेपर 3 में हमें इस पर से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर लास्ट हमारे पास आर्टिकल आता है अ विन विन डील। अब देखिए जो गरीब इंसान है, अब ये ऑथर जो है उनके यहाँ पर व्यूज़ आते हैं। अब यहाँ पर जो पुअर इंसान है उसके लिए जो फूड एंड फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ है उसे स्ट्रीमलाइन करके उसे डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र में कन्वर्ट करके जो बेनिफिशियरी उसे आइडेंटिफाई करके ये काफ़ी एक अच्छा मूव हो सकता है। और ये हम किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब कि इसे जो भी सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है उसके जगह पर अगर हम कैश ट्रांसफ़र में जितनी भी सब्सिडीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर 200 रुपये सब्सिडी जा रही है तो 200 रुपये अगर हम कैश ट्रांसफ़र में देते हैं, अगर डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और ये किस तरीके से हम कर सकते हैं, जनधन आधार मोबाइल मतलब जैम ट्रिनिटी से, तो ये जनधन आधार मोबाइल जो है इसके ज़रिए हम डायरेक्टली इनके बैंक अकाउंट में जो है उतना पैसा जितना सब्सिडी का पैसा है उतना कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
अब देखिए ये जो मेजर है ये ना कि सिर्फ पुअर और फार्मर को एम्पावर करेगा लेकिन जो पॉलिसी है उसे भी शिफ्ट करने में काफ़ी हेल्प करेगा और एटलीस्ट 50,000 करोड़ जो है हर साल हम यहाँ पर बचा सकते हैं। क्योंकि देखिए कितना भी हम बोले कि लीकेज नहीं हो रहा है सब्सिडीज़ में ये सब, लेकिन लीकेज तो भी होता ही है। अब ये जो पैसा बच रहा है हर साल, जो 50,000 करोड़ रुपया बचेगा, ये सरकार जो है एग्रीकल्चर की R&D में लगा सकती है। क्योंकि हाल ही में 2-3 दिन पहले हमने देखा था एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसमें सरकार सिर्फ सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती जा रही है, ये सब प्रोवाइड करती जा रही है, लेकिन एक्चुअल में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें चाहिए मतलब R&D चाहिए वो प्रोवाइड ही नहीं किया जा रहा है। तो अगर R&D प्रोवाइड किया जाता है तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पर जो पैसा बचेगा 50,000 करोड़ रुपया हर साल बचेगा, तो ये हम R&D में इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम एडवांस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ऐसा मौका आ सकता है कि जो फार्मर्स है उसे ज़रूरत नहीं रहेगी सरकार की मदद की। और यहाँ पर R&D उसी के साथ साथ जो वाटर मैनेजमेंट है, जो अभी वाटर की जो तादाद है वो कम होती जा रही है, पानी पूरी तरीके से ख़त्म होते जा रहा है, तो ये भी हम अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और उसी तरीके से जो कंट्री का फूड सिक्योरिटी है नेक्स्ट 25 ईयर्स तक, ये भी हम अच्छी तरीके से रख सकते हैं फार्मर की इनकम भी बढ़ाकर। अब देखिए अगर हम फूड सब्सिडीज़ की बात करते हैं तो फूड सब्सिडी एलोकेशन जो है बजट में वो किया गया है ऑलमोस्ट 1.84 लाख करोड़ का, तो इतना किया गया है। अब कितने लोग अवेयर हैं कि जो पेंडिंग ड्यूज है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, उनका काम क्या है कि वो सप्लाई करते हैं ना खाना जो है, खाद्य जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में 2019 का जो प्रीलिम्स का पेपर था UPSC का, उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, कितने लोगों को ये पता होगा कि वहाँ पर जो पेंडिंग ड्यूज है वो 1.86 लाख करोड़ तक के हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सरकार है वो FCI जो है उन्हें बोरो करने के लिए बोलती है बैंक से, जिस वजह से जो फिस्कल डिफिसिट है गवर्नमेंट का वो भी यहाँ पर अंडर कंट्रोल नज़र आता है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये कितना ज़्यादा है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर हमें नज़र आते हैं, FCI पे पूरा का पूरा बर्डन जो है वो आ जाता है। और ऐसी बात की जा रही थी FCI जो है उसे भी ख़त्म कर देना चाहिए। हमने एक देखा था, जो हमने एक आर्टिकल देखा था उसमें हमने देखा था कि एक यहाँ पर बॉडी लेकर आना चाहिए, जो FCI वगैरह सब है इसे पूरा ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलती है और इसका फ़ायदा भी जो है इतना प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम ओवरड्यूज़ देखते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, तो इतने ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, मतलब देखिए कितने बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर हम 10 से देखते हैं तो ये भी बढ़ते ही जा रहा है, बीच में हमें कम होता हुआ भी नज़र आया था, लेकिन अब तो सीधा वो जो एंटरप्रेनर होते हैं उनका जेब पर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसा कि रामदेव बाबा की कंपनी का देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें जो है वो स्टैंड आउट होती है। पहली तो ये है कि अंडर प्रोविजनिंग ऑफ फूड सब्सिडी, इसमें ओवरड्यूज जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, मतलब जो फूड सब्सिडीज़ है उसके बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो जा रहा है लेकिन बजट में उतना दर्शाया नहीं जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये अंडर द कारपेट पैसा है 1.86 लाख करोड़, और बजट में क्या देखने को मिलता है हमें 1.84 लाख करोड़ जो उतना दिया जा रहा है, तो ये अंडर द कारपेट हमें देखने को मिलता है। दूसरा यह है कि रियल डेफिसिट अगर हम देखते हैं बजट में तो बहुत ज़्यादा है जितना क्लेम किया जा रहा है रियल डेफिसिट, क्योंकि ये भी तो है, ये भी जो सारी चीज़ें हैं जो अंडर कारपेट हमें नज़र आ रही है ये भी तो उसमें इंक्लूड करना चाहिए, वो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तब जाकर हमें इतना फिस्कल डेफिसिट देखने को मिल रहा है। और अगर हम रियल देखते हैं तो फिर तो कितना ज़्यादा रहेगा। अब इंटरेस्टिंगली अगर हम देखते हैं तो रूरल एरियाज़ में मेजोरिटी ऑफ द स्टेट जो है वहाँ पर पैडी ये सोल्ड किया जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी कम दाम में, मतलब जितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपये है तो यहाँ पर उससे भी कम में 8 या 5 रुपये में बेचा जाता है। और ये लैंडलेस लेबरर्स, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो है ये PDS में कवर्ड किए जाते हैं, है ना। और फिर क्या होता है, यही मतलब जो ये बना रहे हैं यही PDS में भी कवर्ड होते हैं, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि ये 5 रुपये में बेच रहे हैं, है ना, और उसके बाद यही लोग जो है PDS सिस्टम में भी इंक्लूडेड है, मतलब इन्होंने ही जो 5 रुपये पर किलो का जो पैडी है वो बेचा है और फिर उसके बाद PDS सिस्टम के थ्रू 3 रुपये पर KG से ख़रीदा है। तो इस तरीके से भी हो सकता है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, पहले तो पैडी बाय कर लेती है, ख़रीद लेती है, और उसके बाद ऑलमोस्ट 50% का जो कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट है, ये सब स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सब ऐड करके फिर उसके बाद ये बेचती है रूरल एरियाज़ में। तो इस तरीके से पूरा जो सिनारियो है वो हमें देखने को मिलता है। अब गवर्नमेंट जो है ये बहुत कुछ कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से यहाँ पर अचीव कर सकती है अगर वो उतना ही अमाउंट जो है अगर ट्रांसफ़र करती है किसी इंसान के बैंक अकाउंट में, जैसा कि हमने देखा था कि अगर कैश ट्रांसफ़र किया जाता है, अगर किसी इंसान को 15 रुपये एक्चुअल में मिल रहे हैं एक साल में,
तो अगर सरकार उसे 15 रुपये जो है वो अगर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है तो वो उसके ऊपर रहेगा कि उसे पैडी खरीदना है, उसे व्हीट खरीदना है, उसे जो भी खरीदना हो, मिल्क या एग भी खरीद सकता है, लेकिन आज उसे सिर्फ चावल ही खरीदने पड़ रहे हैं। तो ये जो है बेनिफिशियरी उसके हाथ में रहेगा, उसके पास फ्रीडम रहेगा कि क्या करना है। तो इस तरीके से वो कुछ भी खरीद सकता है उसके न्यूट्रिशन के हिसाब से। डाइवर्सिफाइड अगर डाइट है तो वो सिग्नल करता है डाइवर्सिफिकेशन इन द फार्म। फार्म में भी हमें डाइवर्सिफिकेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। अब गवर्नमेंट अगर स्ट्रेटेजिक पर्पज़ के लिए स्टॉक रखती है तो वो भी वो रख सकती है, जिससे कि जो साइज़ और ऑपरेशन है FCI का वो भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से रहेगा और ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलेंगे। और वाटर टेबल जो है वो भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके का मेंटेन रहेगा, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हो पा रहा है। मतलब क्या है कि यहाँ पर सरकार जो सब्सिडीज़ के थ्रू दे रही है वो अगर उतना ही कैश ट्रांसफ़र करे किसी के अकाउंट में तो इतनी सारी चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं, ऐसा ऑथर कहते हैं। अब देखिए, मोदी गवर्नमेंट जो है उन्होंने POS मशीन जो है वो इंट्रोड्यूस की है ताकि फेक राशन कार्ड जो है वो यहाँ पर एलिमिनेट किए जा सके। लेकिन देखिए, ये सब करने के बावजूद लीकेज है वो अभी भी चल ही रहा है और 30-40% जो एस्टिमेट है वो इसमें जा ही रहा है, ऐसा जो ऑथर है उनका कहना है। फेयर प्राइस शॉप ओनर अगर हम देखते हैं तो काफ़ी स्मार्टर है गवर्नमेंट के नज़रों से, मतलब गवर्नमेंट के भी कंपैरिजन में। लीकेज जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं हम अगर हम सीधे तरीके से लिंक कर देते हैं MSP के साथ, और उसी के साथ साथ हम अगर डायरेक्टली कैश ट्रांसफ़र करते हैं किसी बेनिफिशियरी के अकाउंट में, क्योंकि डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब उस इंसान को कहीं पर भी जाना नहीं पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, एक आर्टिकल में मैंने आपको बताया था जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है, उसमें मैंने आपको बताया था किस तरीके से जो लोग हैं, जो शॉप वाले हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं। वो बोलते हैं कि 2 रुपये नहीं, उनके पास अगर ख़त्म होने का स्टॉक रहा तो वो बोलेंगे कि 2 नहीं, अब मैं तुमको 6 रुपये में बेचूंगा। तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लीकेज जो है वो जाता है, तो ये ना जाए। इसीलिए यहाँ पर क्या है, 2 रुपये बोलो, 6 रुपये बोलो, उसका कोई लेन देना नहीं। आप सीधा किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करो और फिर वो जो चाहिए उसे वो ले लेगा, जहाँ से चाहिए उसे वहाँ से ले लेगा। मतलब यहाँ पर जो पूरा लीकेज जाएगा, जा रहा है, वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा। अब फर्टिलाइज़र्स की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने 80,000 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर फर्टिलाइज़र्स के लिए अलॉट किए हैं। अब देखिए, यहाँ पर इंडस्ट्री भी अगर हम देखते हैं तो वो क्लेम करता है 38,000 करोड़ जो है उतने ड्यूज़ हैं गवर्नमेंट के ऊपर, पेंडिंग है। अब ये सारी चीज़ें जो है इसमें और काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। सब्सिडी ड्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो कि 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीटेड जो प्रॉब्लम्स है वो हमें देखने को मिल सकते हैं फर्टिलाइज़र्स के रूप में भी। अब देखिए, प्रॉब्लम जो है गवर्नमेंट की वो ये है कि यूरिया प्राइसेस जो है वो रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। रफली अगर $80 पर टन अगर हम देखते हैं तो ये लोवेस्ट है इन दी वर्ल्ड। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अराउंड दी वर्ल्ड अगर हम देखते हैं प्रोडक्शन जो इंडस्ट्री का, वो $250 पर टन का है। और इस तरीके से इंपोर्ट पैरिटी जो है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, $300 पर टन की हो जाती है। और उसी तरीके से यहाँ पर ग्लोबल प्राइस जो है उसमें भी हम यहाँ पर आसपास नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन जो है उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर इकोनॉमिक रैशनल जो है वो भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके का नहीं हो पा रहा है। मतलब जो फार्मर है उसे भी प्रॉपर तरीके की जो प्रोड्यूसिंग यूरिया है वो उसे प्रॉपर प्राइस जो है उसे नहीं मिल पा रही है, तो उसे कम दामों में बेचना पड़ रहा है, लीकेज जो है वो हो रहा है, जो प्रॉपर सब्सिडीज़ है वो प्रोवाइड नहीं की जा पा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रही है। इसीलिए ये जो दुकान के पास जाकर आपको सब्सिडी मिलेगी, आपको सस्ते दामों में मिलेगा, ये ख़त्म ही कर देना चाहिए। और उसकी जगह पर सीधा आप जितना भी सब्सिडी आपको देनी है एक इंसान को, जितनी भी आप दे रहे हो, सीधा बैंक अकाउंट में डाल दो। जो भी उसको चाहिए, फर्टिलाइज़र कितने का चाहिए वो अपने हिसाब से करेगा। उसी तरीके से अगर कोई उसे अनाज चाहिए तो अपने हिसाब से करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें पूरी लीकेज जो है उसे ख़त्म हो सकता है। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट बढ़ेगा लोगों के बीच में, उतना ज़्यादा लीकेज जो है वो हमें देखने को मिलते ही जाएगा। अब आते हैं हम प्रीलिम्स का T20 पर। ज़्यादा हमारे पास न्यूज़ नहीं है। पहली न्यूज़ आती है गोवा टूरिज़्म कोऑपरेशन जो है उन्होंने प्लास्टिक जो है उसे बैन कर दिया है। जो गोवा टूरिज़्म कॉरपोरेशन है उन्होंने प्लास्टिक को बैन कर दिया है सभी जगह उसे। तो ये काफ़ी एक अच्छा और इम्पोर्टेंट स्टेप है, जिससे हम देख सकते हैं प्लास्टिक जो उसके यूज़ जो है वो कम हो और जिससे कि एनवायरमेंट कम पोल्यूट हो। दूसरा आता है अपॉइंटमेंट के बारे में। तो अजय भाड़ू जो है उन्हें अपॉइंट किया गया है एज ए जॉइंट सेक्रेटरी, हमारे जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी उनके सेक्रेटरी में, जॉइंट सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। और तीसरा आता है तेलंगाना जो है वहाँ पर जो बोनालू फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया गया महाकाली टेम्पल पर। और यहाँ पर बहुत सारे जो महिलाएं हैं वो अर्दन पॉट लेकर आती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट वहाँ का फेस्टिवल है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।